आईजीएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज धार के छात्र मंगलवार को आरएनटी मार्ग स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आईजीएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की परीक्षाएं जबलपुर यूनिवर्सिटी को सौंप दी गई थी, जिसके बाद से ही छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी से परेशान बीएचएमएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे और रजिस्ट्रार को अपनी शिकायत और समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मीटिंग हुई थी, उसमें ये आदेश आया था कि जो भी एटीकेटी की एग्जाम्स हैं वो अब जबलपुर यूनिवर्सिटी को लेने हैं, ऐसा वहाँ से पत्र आया था। उसके आधार पे सारे स्टूडेंट्स की जानकारी हमने वहाँ भेज दी। अगर जबलपुर वाले लिख के दे देंगे कि हम इनकी एग्जाम नहीं कराएंगे तो हम आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, ऐसा लिख के और तुम्हारे प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करा के भेजो, इसमें ये बात सही जाएगी नहीं, ये प्लीज बाद में सुधार में कि बच्चों ने लिखा है कल तक तो उसको राजकुमार को हम दोनों बात करेंगे। हो चुका है हमारे सेशन को होते हुए, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण इन लोगों की तरफ से नहीं किया गया है। जो नई अभी कुलपति आई हैं, कुलपति महोदय आई हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं, मिलके बात ये करना चाहेंगे कि क्या है हमारा फ्यूचर दाव पर है। एक साल हो चुका है, काफ़ी बच्चे निराश हैं। इस चीज़ को लेकर हम चाहें तो मंत्री तक भी जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, धरना देंगे, सीधे ऊपर तक बात करेंगे, मंत्रालय तक बात करेंगे कि 150 बच्चे काफ़ी हैं, कम से कम 150 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। जबलपुर कह रही हैं कि हम परीक्षा नहीं लेंगे, डीएवी अभी हमें 4 बार आश्वासन दे चुकी है कि हम क्या करें। बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि 2 साल हो चुके हैं, 2014 से 2015 का हमारा एडमिशन है, 2019 आ चुका है, परीक्षा कभी भी टाइम पर नहीं ली जाती है इस कॉलेज से, डीएवी विश्वविद्यालय से कभी परीक्षा टाइम पर ली नहीं गई। हम ये चाहते हैं कि हमारी परीक्षा या तो जबलपुर लें या डीएवी लें, लेकिन हमको क्लियर किया तो जाए कि परीक्षा लेगा कौन। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जाए किधर। हम एक उस धारा में लटके हुए हैं कि हम इधर जाएं तो गिरेंगे, इधर जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। हम क्या करें, हम मजबूर हैं, परेशान हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? हम ये चाहेंगे फिलहाल कि अभी हम ये चाहेंगे कुलपति जी से मिलें, कुलपति महोदया से मिल के एटलीस्ट उनसे क्लियर करें कि बात कौन करेगा हमारी, जबलपुर बात करेंगे या ये लोग एग्ज़ाम लेंगे, क्या होगा। हम इस बारे में अभी बात करने आए हैं। हम 4 बार जी बताएं आज किस लिए ज्ञापन देने आए थे आप, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, हमारी एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है, ना तो जबलपुर एग्ज़ाम ले रही है और ना डीएवी ले रही है। दोनों ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम ले रहे हैं पर कोई नहीं ले रहा है, और हम 4 से 5 बार आ चुके हैं यहाँ पर, सब सांत्वना देके हमें पहुँचा देते कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, पर कोई जवाब नहीं मिल सके। आज भी हम आए, आज भी ये बोल के हमें बोल दिया कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, प्रिंसिपल से लिखवाओ, प्रिंसिपल बोलता है कि डीएवी जाओ, डीएवी वाले बोलते हैं जबलपुर जाओ, तो हम जाएँ तो जाएँ किसके पास? आप लोग कहाँ से हैं? हम 4 कॉलेज से हैं, सिंधवा कॉलेज से, धार कॉलेज से और गुजराती कॉलेज से।
किस चीज़ के स्टूडेंट्स हैं आप, कौन से विषय? BHMS के स्टूडेंट हैं हम सारे, सेकंड प्रोप और फर्स्ट प्रोप के। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम के लिए? एग्ज़ाम देने वाले कम से कम 400 से 500 हैं। आज क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं मिला कोई संतुष्टि, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम जवाब दिया जाता है वही जवाब आज भी दिया, और आज भी हमें बोल दिया कि आप जाओ, हम पॉलिसी लिखवा के लेके आओ। किसी